Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul, I am a teacher. Uttarakhand teachers eligibility test के बारे में बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसके syllabus के बारे में आपको जानकारी दूंगा. Uttarakhand teachers eligibility test UTET-II 2019 के फॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं. 2 जुलाई 2019 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जुलाई 2019 5 PM तक है लास्ट डेट. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी 31 जुलाई 2019 5 PM तक. इस बार यूटीईटी के जो एग्ज़ाम भरने हैं, फॉर्म भरने हैं, ये ऑनलाइन है. पहले ऑफलाइन आते थे पोस्ट ऑफिस में, वो नहीं है इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं. इस वीडियो में मैं आपको यूटीईटी 2019 के सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा. इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यूटीईटी सीटीईटी और अन्य स्टेट्स में होने वाले टीईटी एग्जाम्स यूपीटीईटी और अन्य कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9411513974 पे. और मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यूटीईटी सीटीईटी के और यूपीटीईटी और अन्य टीईटी एग्जाम्स के शॉर्ट पेपर के लिए आपको आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहाँ पे मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, उत्तराखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 के सिलेबस के बारे में. अध्यापक पात्रता परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, फर्स्ट पे राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटीईटी द्विस्तरीय, अभ्यर्थी एक समय में किसी एक परीक्षा या दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता है. दोनों यूटीईटी फर्स्ट एंड सेकेंड स्तर की परीक्षाएँ एक ही दिन 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी. यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की दोनों यूटीईटी फर्स्ट एंड सेकंड परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है तो इसके लिए एक ही आवेदन पत्र भरना होगा. इसकी स्पष्ट अंकना आवेदन पत्र पर तथा यथा निर्दिष्ट स्थान पर करनी होगी. सेकंड, अध्यापक पात्रता परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, किसी भी प्रश्न में ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा. परीक्षा अवधि 2 घंटा 30 मिनट की होगी तथा प्रश्नों की संख्या 150 होगी. भाषा के प्रश्न पत्रों के अलावा अन्य प्रश्न पत्र द्विभाषिक अर्थात हिंदी तथा अंग्रेजी में मुद्रित किए जाएंगे. अंकों का विभाजन निम्नवत होगा, प्राथमिक स्तर 1 to 5 का पाठ्यक्रम यूटीईटी फर्स्ट, क्रम संख्या, विषय सभी अनिवार्य, प्रश्नों की संख्या, अंक. फर्स्ट पे बाल विकास एवं पैडागोगी, प्रश्नों की संख्या 30 अंक 30. सेकेंड पे प्रथम भाषा, प्रश्नों की संख्या 30 अंक 30. थर्ड पे द्वितीय भाषा, प्रश्नों की संख्या 30 अंक 30. फोर पे गणित, प्रश्न 30 अंक 30. फिफ्थ पे पर्यावरण अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 30 अंक 30. टोटल योग है 150 और अंक 150. उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 का पाठ्यक्रम यूटीईटी सेकंड, क्रम संख्या, विषय, प्रश्नों की संख्या, अंक. फर्स्ट पे बाल विकास एवं पैडागोगी, प्रश्नों की संख्या होगी 30 अंक होंगे 30. सेकेंड पे प्रथम भाषा 30 अंक 30. थर्ड पे द्वितीय भाषा 30, प्रश्नों की संख्या 30 है अंक 30. फोर पे ए पे है गणित विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित एवं विज्ञान, बी पे सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन, सी अन्य शिक्षकों के लिए, 4A अथवा 4B में से एक. प्रश्नों की संख्या 60 है और अंक भी 60 है. योग 150 टोटल प्रश्न होंगे और 150 मार्क्स के होंगे. अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में प्रथम चयनित भाषा एवं द्वितीय चयनित भाषा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा. प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा होगी के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा तथा उक्त भाषा के प्रश्न पत्र का स्तर द्वितीय चयनित भाषा से उच्चतर होगा. द्वितीय भाषा के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा जो कि प्रथम चयनित भाषा से भिन्न होगी. यूटीईटी द्वितीय के लिए गणित विज्ञान अथवा सामाजिक अध्ययन में से किसी एक विषय का चयन करना होगा. तो यहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में मैंने बताया है. उत्तराखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रथम एवं द्वितीय यूटीईटी फर्स्ट एवं सेकंड के सिलेबस के बारे में. जो कैंडिडेट्स यूटीईटी के लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे. और आप मुझे सीटीईटी यूटीईटी यूपीटीईटी और अन्य टीईटी एग्जाम्स के शॉर्ट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं वो मिलते रहें. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.